चाणक्य आई एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आइए देखते हैं आज अपने के अपने करंट के एम के प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है कि निसार उपग्रह के विकास में निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने सहयोग किया हमारा पहला ऑप्शन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमारा दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्न में पूछा गया है कि निसार उपग्रह के विकास में कौन सी एजेंसियां हैं इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी यानी कि इसरो और नासा ने साथ में मिलकर इस निसार उपग्रह का निर्माण किया है आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह हिमालय के भूकंप प्रवण क्षेत्रों को अभूतपूर्व नियमता के साथ मानचित्र करेगा साथ ही में उपग्रह की लागत लगभग 900 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है जिसमें इसरो जो है वो लगभग दसवां हिस्सा जो है वो योगदान करेगा जो लागत लगेगी 900 मिलियन डॉलर की अगर हम बात करें इसका काम क्या है तो निसार उपग्रह हर बारह दिनों में भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र का विवरण करेगा और उसका मानचित्र निकालेगा इसके लिए इस निसार उपग्रह में दो आवृत्ति बैंड दिए गए हैं पहला है एल बैंड और दूसरा है एस बैंड उपग्रह के उच्च रेजोल्यूशन के कारण सभी मौसम का डेटा भू विज्ञान समुदाय को हिमालय के विभिन्न हिस्सों में तनाव निर्माण को निर्धारित करने में मदद करेगा और साथ ही में संभावित रूप से भूमि धसने और भूकंप की अग्रिम चेतावनी भी प्रदान करेगा निशार उपग्रह ने जनवरी 2024 तक इसके लॉन्च होने की आशंका है और यह सूर्य समकालीन कक्षा का अनुसरण करेगा अब हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ दूसरे प्रश्न में ये बात हो रही है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें पहला युग्म है जटा जटिन और इसका जो मेल है वो है असम देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी आपके लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात की जा रही है इसको कहा जा रहा है कि ये असम राज्य में होता है दूसरा है भवई गुजरात बीहू बिहार और कुंदांडी जम्मू और कश्मीर उपरोक्त युगों में जो युग्म दिए हुए हैं उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो देखिए अगर हम देखें तो हमारा पहला जो युग्म है वो गलत है दूसरा युग्म हमारा सही है तीसरा युग्म भी गलत है चौथा युग्म सही है इस कारण से हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बी केवल दो युग्म सही हैं। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या देखिए जो जाटा जटिन है वो बिहार का नृत्य है भवई जो है वो गुजरात का नृत्य है बीहू असम का नृत्य है और कुन दांडी जम्मू और कश्मीर का नृत्य है लेकिन हमारे इस प्रश्न के पीछे का कारण जो है वो ये है कि हाल ही में जो बीहू नृत्य है उसका आयोजन गुवाहाटी के सूरज जाई स्टेडियम में किया गया यहाँ पर लगभग 11,200 से अधिक बिहू कलाकारों ने प्रदर्शन में भाग लिया और एक ही स्थान पर यह सबसे बड़ा बिहू प्रदर्शन रिकॉर्ड बनाया गया है प्रदर्शन में जो रंगीन मेखला है उसकी चादर महिलाओं ने ओढ़ रखी थी जब वो नृत्य कर रही थी और जो गोगुना होता है वो एक वीड़ा होती है जिसका इस्तेमाल बिहू नृत्य में उसको एक संगीत बजाने वाले एक ढोल के या फिर वादक के रूप में देखा जाता है साथ ही में पेपा जो कि एक भैंस की सींग की नाल है ये भी एक संगीत बजाने वाला यंत्र है ये जो पेपा यंत्र है, इसे पुरुष ही बजाते हैं और जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य में रंगीन मेखला चादर ओढ़कर नृत्य करती हैं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री सहित विशेष अतिथियों ने भाग लिया इस नृत्य में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया ये प्रमाण पत्र जो है वो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो हैं आसाम के उनको दिया गया प्रदर्शन का उद्देश्य था कि हम अपनी जो संस्कृति है, जो स्वदेशी संस्कृति है, उसको विश्व मंच पर प्रदर्शित करें और मानव और प्रकृति के बीच एकता और समकालीनता को बढ़ावा दें प्रधानमंत्री ने बिहू जो नर्तकियां हैं उनके साथ बातचीत की और साथ में भौगोलिक संकेतों के साथ गमोसा जो कि एक बुना हुआ स्कार्फ या फिर तौलिया जिसे कहते हैं गमोसा और रेशमी पोशाक व्यंजन और जैविक कृषि उपज जैसे सांस्कृतिक तत्वों के लिए असम की प्रशंसा भी की साथ ही साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है सी जी टी एम एस ई -E, की क्रेडिट गारंटी जो फंड योजना है उसके तहत जो गारंटी का आवाहन करते समय जो हमारे ऋणदाताएं हैं उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई से छूट की सीमा क्या है यहाँ पूछ रहा है कि जो छूट की सीमा है क्रेडिट गारंटी स्कीम फंड योजना में वो कितनी है तो पहला है दो लाख दूसरा है पाँच लाख तीसरा है दस लाख चौथा है एक करोड़ तो जो इसकी सीमा है वो है दस लाख आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं देखिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की शुरुआत की गई सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को मुक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जीओ द्वारा 2000 में इस योजना को लॉन्च किया ये योजना हमें याद रखनी है कि 2000 में ही लॉन्च हो चुकी थी अभी के लिए इसमें और नए डेवलपमेंट हुए हैं योजना के तहत नए और मौजूदा दोनों जो उद्यम कारोबार हैं जो स्कीम है इसके अंतर्गत आराम से आ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने हैं वो इस स्कीम के तहत कवर नहीं होंगे या फिर नए वाले नहीं होंगे दोनों ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं अगर हम सी जी टी एम सी की बात करें तो सी जी टी एम सी का जो कोष क्रमश है वो है फोर टू वन यानी चार टू एक इसके अनुपात में भारत सरकार और जो सिडबी है उसके योगदान से हम इस क्रेडिट गारंटी स्कीम को चलाएंगे जो एमएसएमई का मंत्रालय है और भारत सरकार और साथ ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है उसने संयुक्त रूप से क्रेडिट गारंटी योजना को लागू करने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना भी की है सी जी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को तो दी जाने वाली जो ऋण सुविधाओं के लिए अपनी क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत जो कवरेज की सीमा है उसे दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ प्रति उधारकर्ता कर दी है यानी कि अब इसके तहत ज्यादा जो है पैसे उधार के रूप में जो एमएसएमई चलाने वाले लोग हैं उन्हें मिल पाएगा अगर हम देखें भारत सरकार और सिडबी द्वारा स्थापित जो सी MSE है उसमें MSME को क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए गारंटी भी प्रदान की गई है ऋण की लागत को कम से कम करने के लिए एक करोड़ तक का ऋण के लिए गारंटी शुल्क में कमी की गई है साथ ही गारंटी मांगते समय जो ऋणदाताएं हैं उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई में छूट की सीमा को दोगुना करके प्रति दावा रूपी दस लाख रुपए तक कर दिया गया है हमारे प्रश्न में यही सवाल पूछा था ये बदलाव जो भी लाए गए हैं ये सारे के सारे बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। RBI के आंकड़ों के अनुसार 25 फरवरी 2022 को 24 परसेंट की तुलना में 24 फरवरी 2023 तक जो MSME के सेगमेंट हैं उनमें ऋण की वृद्धि जो है वर्ष दर वर्ष जो है धीमी होती गई है 13. परसेंट के रफ्तार से ये जो गति है वो धीमी होती गई है इस कदम से एमएसएमई को देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बैंकों सदस्यों तथा वित्तीय संस्थानों और साथ ही विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उम्मीद भी दी गई है अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से किस जेल को जीवला ऋण योजना के प्रारंभिक कार्यवन के लिए चुना गया है जीवला ऋण एक योजना है इस योजना की शुरुआत करने के लिए किस जेल को चुना गया है पहला हमारा ऑप्शन है यरवदा सेंट्रल जेल दूसरा है नागपुर सेंट्रल जेल तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है मुंबई सेंट्रल जेल देखिए यरवदा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र को जीवला रीड योजना के तहत पहली जेल चुनी गई है जहां से ये योजना की शुरुआत की जाएगी महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है जिसमें जेल में किए गए काम से उनकी कमाई के एवज में उन्हें पचास हजार रुपए तक का ऋण देने की पेशकश की गई है योजना का उद्देश्य कैदियों के परिवार के जीवन स्तर को सुधार सुधारना है यानी कि इस योजना से मिलने वाले जो पैसे हैं, उनसे जो कैदी रह रहे हैं और उनके जो परिवार हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उनके जीवन जीने का जो स्तर है उस, उसमें भी सुधार होगा जो ऋण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक हैं, उन्होंने सात प्रतिशत ब्याज दर पर इस रकम है इसको प्रदान करने के लिए एक ज्ञापन दिया है जो भी महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक है वो सात प्रतिशत पे इस पैसे को कैदियों को देंगे योजना को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में पायलट आधार पर लागू किया गया है ऋण जिसे खतवी ऋण भी कहते हैं के रूप में जाना जाता है इसकी गारंटी आवश्यक नहीं होगी यानी कि हमें यह ऋण उठाने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी हम सिर्फ कमाई कौशल दैनिक मजदूरी और अन्य कारकों पर इस ऋण को जो है वितरण किया जाएगा कैदियों को तो अगर हम देखें तो अग्रणी जो बैंक हैं वो यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी ऋण राशि है उसका उपयोग लक्षित उद्देश्यों उद्देश्यों के लिए हो अब देखिए लक्षित जो उद्देश्य हैं उनसे तात्पर्य है कि जो ये पैसे मिल रहे हैं कैदियों को वो सही काम में ही उपयोग हो किसी गलत काम में उपयोग ना किया जा सके और साथ ही साथ जो ऋण चुकौती राशि है उसका जो एक प्रतिशत है वो सालाना जो कैदी कल्याणकारी कोष बना हुआ है हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस स्कीम के तहत एक कैदी कल्याण कोष बनाया गया है तो जो एक परसेंट हिस्सा होगा वो कैदी कल्याण कोष में सालाना जो है दान किया जाएगा देखिए यरवदा जो सेंट्रल जेल है उसके इतिहास में बहुत महत्व है महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष रूप से 1932 में और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में कई साल बिताए साथ ही सितंबर 1932 में गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए जो सांप्रदायिक पंचांत था उसके विरोध में अनिश्चित काल तक उपवास पर भी चले गए थे और अगर हम देखें तो सितंबर 1932 में गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट नामक जो समझौता था वो इसी यरवदा सेंट्रल जेल में किया था इस कारण से ये जेल काफी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारा आज का पांचवा प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो हमारी यू है द्वारा प्रस्तावित भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि आई के एस में कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं हमारा पहला ऑप्शन है सुश्रुत संहिता के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी दूसरा ऑप्शन है पाणिनि का व्याकरण तीसरा ऑप्शन है वैदिक खगोल विज्ञान और चौथा है ए और सी दोनों देखिए इसका जो उत्तर है वो है डी जो हमारी यूजीसी है उसने आई के अंदर ये प्रस्ताव लाया है कि जो सुश्रुत संहिता के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी का जो प्रोसीजर है उसको भी हम जो भी डॉक्टर बन रहे हैं उनके सिलेबस में को लाएं और साथ ही साथ जो हमारे वैदिक खगोल विज्ञान है इस चीज को भी हम आज के समय में अपनी पढ़ाई और कोर्सेज में जो आई के एस के कोर्सेज हैं उनमें जोड़ा जाए पड़िनी का व्याकरण का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है अब आइए इसकी की हम व्याख्या देखते हैं देखिए यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को उनकी डिग्री प्रोग्राम के हिस्से के रूप में भारतीय ज्ञान प्रणाली पाठ्यक्रम लेने के लिए नए दिशा निर्देश को जारी किया है इस दिशा निर्देश के अनुसार जो आई का पाठ्यक्रम है जो डिग्री उनको मिलेगी उसमें आवश्यक है कि जो क्रेडिट है वो कम से कम पांच परसेंट हो पाँच परसेंट क्रेडिट का मतलब है कि ये जो पाँच परसेंट नंबर आपको मिलेंगे ये आपको आई के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम दिया गया है जिसके अंदर हम कई सारे महाकाव्य और साथ ही साथ पौराणिक जो हमारी संस्कृति है और रामायण महाभारत और जो भी हमारे वैदिक खगोल विज्ञान हैं उनको शामिल किया गया है तो इन सभी पाठ्यक्रमों को पढ़कर हमें ये पाँच प्रतिशत जो है उसको अपने जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें जोड़ना है तो दिशा निर्देश अगर हम देखें तो हमें ये सारे जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं उनके प्रति रुझान भी हमें पैदा करना है बच्चों के मन में तो आई के पाठ्यक्रम में शामिल विषय है शुश्रुत की संहिता वैदिक खगोल विज्ञान भारतीय दर्शन शास्त्र भारतीय संस्कृति रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य और साथ ही साथ पुराण के जो मूलभूत ग्रंथ हैं, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी भी शामिल है वेदों और पुराणों का जो विशिष्ट ज्ञान है वो छात्रों को नए राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे के तहत जो है क्रेडिट अर्जित करने में मदद करेगा यह दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है इस क्लास के लिए इतना ही अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे करंट के और एमसीक्यू प्रश्नों के साथ धन्यवाद Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.